जो नहीं आता उसका इतना इंतज़ार क्यों, किसी के लिए अपना ये हाल क्यों। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी प्यारी चीज़ें हैं, पर जो नहीं मिलता उसी से इतना प्यार क्यों। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और मैं अभी अभी जो है वोट डाल के आया हूँ, एंड आई होप आप सबने भी जो है वोट डाल दी होगी। आई नो 2 दिन के बाद व्लॉग आ रहा है, दिल से सॉरी। थोड़ा सा स्केड्यूल जो है अपना बिजी हो रखा है, उस वजह से व्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग लेके आऊँ, लेकिन ये 2 दिन जो व्लॉग छूटे हैं उसके लिए दिल से सॉरी। तो अभी ना हम सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं निधि मम्मी और राधु को बोल रहा था कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दो और आप जी सकते हो आज भी 500 रुपये बिल्ले बैठे घर पे इतनी गर्मी में। सही है यार, ये सवाल रोज पूछा करो, कुछ तो बस आएगा इतनी गर्मी में। नहीं तो पहले सवालों के जवाब दो फिर 500 की बात करना। सात क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? 7 में से अगर मम्मी 5 के जवाब दे दिए तो ये 500 आपका। नमस्कार भाई और बहनों, नमस्कार भाई और उनकी बहनों, आपका स्वागत है सस्ते KBC में। ताड़ियां मारो, मारो यार, ताड़ियां नहीं मार दे यार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइज आज हम पूछेंगे इनसे 7 क्वेश्चन, 7 में से जो 5 सही देगा जवाब उसको मिलेंगे पूरे 500 रुपये। वैसे विल्ले बैठे घर पे 5 सवाल का जवाब देके 500 रुपये मिल रहे हैं, तो इनको और क्या चाहिए, ठीक है? मैंने कोई फायदा नहीं, मेरा कंटेंट निकल रहा है, सच बोल दिया। और गाइज आप लोग भी बताना जिन जिनको पता है, लेकिन विदाउट गूगल करे, ईमानदारी से बताना, ठीक है? और देखते हैं किसको कितनी नॉलेज है सबको। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देवी और सजनों, ये रहा न्यूज की फुल फॉर्म बताओ। जीके क्वेश्चन थोड़ी पूछने हैं भाई, यही क्वेश्चन है। चलिए पहला सवाल गलत हुआ, पहला सवाल आता नहीं। अगला क्वेश्चन, चलो आपकी स्क्रीन पे ये रहा SMS, SMS की फुल फॉर्म बताओ। तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई है, तू नीट की तैयारी कर रहा है, मम्मी तुझे भी 12th पास हो, ठीक है? पर किसी को नहीं पता। चलिए अब 5 में से 5 जवाब दोगे तो मिलेगा आपको 500 रुपया। क्या सीधा सीधा कह दो कि देनी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, ATM की फुल फॉर्म, ये तो इजी है। ऑटोमेटिक टेक्निकल मशीन, नहीं गलत। ऑटोमेटिक गलत, ऐसे ही कुछ ढूंढो। ऑटोमेटिक टेक्निकल मशीन कुछ ऐसे आता है। चलो भाई इन्हें 500 नहीं देना, सवाल ही इधर इधर सब नहीं आती। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मिल रहे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, VIP की फुल फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आगे, सही है, सही है, सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नहीं, बस वेरी इंपॉर्टेंट पीपल यार, हम सत्यानाश है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यार। तो पर्सन सही तो बोल दिया, वेरी। चलो PDF की फुल फॉर्म बताओ यार, ऐसे मत पूछो यार, प्लीज कर दो यार, इनको ये भी नहीं आता गाइस। डेट की फुल फॉर्म, DATE, डेट, ये मत डालो, ये तो मतलब नहीं डेट की फुल फॉर्म। तो गाइस इसी के साथ हमारा सस्ता KBC खत्म होता है, और सच बताए थे इनको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता इस पे। आप क्या चुप रहे? तो गाइस बताओ क्या कहना चाहोगे, आपके 0 मार्क्स आए हैं, इतनी शर्मिंदगी आज तक फील हुई है आपको? यार ये पता क्या होता है, कई बार ना माइंड से स्किप हो जाता है। चलो ये तो बहाना हो गया, अब आपका क्या, नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई जवाब देना चाहोगे इतनी शर्मिंदगी के बाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्पीचलेस, स्पीचलेस, हाँ बस स्पीचलेस, बेइज्जती हो गई है अब, बहुत ज्यादा हो गई है। चलो मम्मी आपको थोड़ा सा, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। हाँ तानु तो कुछ, चलो तानु माफ किया, लेकिन ये आगे 500 गए। 500 कहाँ मेरा, ओए 500 नहीं उठाना मेरा। चलो गाइस मेरे 500 बच गए वैसे। हाँ आप बताओ CID की फुल फॉर्म किसकी? CID, अलोई अलोई अलोई, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ओके की फुल फॉर्म बताओ। हैं
ओके की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, ये तुम्हारी बनाई गई हुआ है। चलो गाइज इसी के साथ हमारा सस्ता केबीसी समाप्त होता है। तो गाइज इन क्वेश्चंस के मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। जो न्यूज की फुल फॉर्म है वो है क्या आस्क रहे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये है न्यूज की फुल फॉर्म। और डेट की है डे एंड टाइम एवोल्यूशन, और SMS की है शॉर्ट मैसेज सर्विस, और ATM की है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सिम की है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, VIP की है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और PDF की है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो गाइज आज डिनर पे बने हैं राजमा चावल, वाओ मेरे फेवरेट। तो अभी खाना खाने के बाद ना भाई मम्मी ने हमारे लिए घर पे बनाई है मजेदार वाली ये आइसक्रीम, ये घर पे बनाई है मम्मी ने। ये हम छोटे होते से खाते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे होते हम तब से मतलब घर पे बनाते हैं। ये है खादी तन तो हजे नहीं, ये आइसक्रीम नहीं हैगी। हां ये राती मैंगो शेक नहीं बनाया सीगा। हां सारे ने पी लिया। हां ते बच गया, फिर मैं फ्रिज से जमाता मैंगो शेक आइसक्रीम। कलर वैसे ही लग रहा ना जैसे जमाने तुसी, टेस्ट करू टेस्ट करू मैंगो शेक वाली आइसक्रीम। यार सही में मम्मा जो अब्बू वाली बनाते ना, मैंने मैंगो वाली खा के खुश है ना, बाहर तो खा जाना है ना, मैंगो वाली तो अब्बू वाली बनाते हो ना, वैनिला वाली उससे भी टेस्टी बनी है है ना। आज बोलता है कि मम्मी बहुत अच्छा बनाता है, जो भी बनाते हैं खाने पीने की चीजें अलग चीजा ने सब्जियां कोई भी चीज पसंद आ रही है। और गाइस एक ना बहुत ही जरूरी बात, आप लोग हम लोगों को कमेंट करके बताना कि हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी घर के व्लॉग देख देख के आई थिंक बोर हो गए होंगे कि कुछ नया है ना हर बार, लेकिन हम सोच रहे थे कि यार एक ना ट्रिप प्लान करते हैं छोटा सा, घूमने चलते हैं और आपको भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देते हैं। लेकिन मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, जब हम लास्ट टाइम केरला गए थे ना यार, केरला वाले व्लॉग्स मैंने इतनी शिद्दत से बनाए थे लेकिन उनको प्यार ही नहीं मिला बिल्कुल भी, आप लोगों ने देखे ही नहीं वो व्लॉग्स। तो मतलब आप लोग हमें ये बता दो कि हम जाए या ना जाए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो थोड़े से बाहर के व्लॉग्स भी देखना जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, तो हम व्लॉग्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, फिर प्लान करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ना जाए तो फिर हम प्लान ही नहीं करेंगे। और क्या, हमारे मन में ना दो जगह आ रही हैं, पहली आ रही है कश्मीर, जो कश्मीर से देख रहे हैं जिनको, या फिर जिनको कश्मीर का वेदर का पता रहता है कि ये जो जून का महीना है ये कश्मीर जाने के लिए बेटर है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे दिमाग में चल रहा है जगह चूड़धार, वहाँ ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में बहुत मज़ा आएगा, तो वहाँ पे भी रश है बिकॉज निधि के मामू अभी गए हैं, आज गए हैं ना, वो पहुँचे हैं ना, कि कल पहुँचे हैं पता नहीं कब पहुँचे, मैंने तो आज ही देखी उनकी फोटो। हाँ तो वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं पूरा ट्रैक करके बढ़िया वहाँ पे, है ना। वो कौन सी जगह पड़ता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चूड़धार। चलो वहाँ भी जा, वैसे मेरा दिल कश्मीर से ज़्यादा वहाँ जाने का कर रहा है चूड़धार, पर चूड़धार के लिए हमारे को अपने साथ और भी लोग चाहिए, मतलब तीन चार मतलब लड़के लोग भी और लड़कियां भी, मतलब ताकि हम ट्रैक कर सकें अगर हमने ट्रैकिंग करनी है फिर, अगर तो हमने जाना ही है रुकना ही नहीं है कहीं फिर तो जा सकते हैं। कैसे मतलब? अगर मतलब रुकना नहीं है, कैंपिंग वगैरह नहीं करना, अच्छा। डायरेक्ट जाना है। ओके ओके देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या करें, हम जाना है कौन सी जगह पे चाहिए हमें, जहाँ फिर इससे अच्छी कोई बेटर जगह है आप लोग बता दो, कहाँ के व्लॉग्स देखना चाहते हो आप, ठीक है। बट शायद हम, मैं और जतिन या मैं और मम्मा, हम तीन जाए, या फिर मैं और जतिन ही जाए, या फिर जतिन और मम्मा जाए, क्योंकि थोड़ा आदू की भी स्टडी का है आप, मम्मी तो वैसे ही नहीं जाएंगे मेरे को पता है, पहले भी नहीं जाते थे, अगर कह भी दिया तो अब तो वैसे ही नहीं जाएंगे। चलो देखते हैं बाकी। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मित्र जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।